प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में 3,72,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर भारत की बात करें तो संक्रमितों की संख्या 600 के पार जा चुकी है। इसी बीच ग्लोबल हेल्थ 50-50 की रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा शिकार पुरुष होते हैं। कोविड-19 ने दुनिया भर में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की ज्यादा जानें ली है। बड़ी बात यह है कि रिसर्च में कोविड-19 का नया केंद्र इटली को बताया गया है और जानकारी दी गई है कि इटली में कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की संख्या में 60% पुरुष हैं, जबकि मरने वालों में 76% पुरुष शामिल हैं। चीन और दक्षिण कोरिया में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। अभी तक अमेरिका ने लैंगिक आधार पर मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया है। हालांकि कोविड-19 को पुरुषों के लिए ज्यादा खतरनाक बनाने के वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आए हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि पुरुषों में धूम्रपान की संख्या ज्यादा है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निगेटिव असर पड़ता है, इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। कोरोना वायरस भी ऐसे लोगों को जल्दी निशाना बना लेता है। यही कारण है कि पुरुषों को कोविड-19 ज्यादा शिकार बना रहा है। दरअसल आधे से ज्यादा चीनी लोग धूम्रपान करते हैं, जबकि 3% चीनी महिलाओं में ही धूम्रपान की लत है। इटली में 70,00,000 पुरुष जबकि 45,00,000 महिलाएं धूम्रपान करती हैं। दरअसल इटली में कोविड-19 से मरने वाले 99% लोगों को पहले से कोई न कोई बीमारी थी। इनमें 75% को हाई ब्लड प्रेशर था, जबकि महिलाओं की अपेक्षा में पुरुष ट्रेवल ज्यादा करते हैं, जिससे कोविड-19 के संक्रमण के मामले में हाई रिस्क लेवल पर पुरुष रहते हैं। कोरोना वायरस के फैलने से पहले सार्स और मर्स में भी यही ट्रेंड देखने को मिला था। दोनों बीमारियों में पुरुष ज्यादा संक्रमित पाए गए थे। हालांकि रिसर्च को व्यापक तौर पर नहीं किया गया है, लेकिन इतना साफ है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सोशल डिस्टेंसिंग सबसे कारगर कदम है। लिहाजा आप भी लॉकडाउन का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, हाथ को साबुन और सैनिटाइजर से धोते रहें, हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें। ध्यान रखें, आपकी सावधानी ही कोरोना वायरस के फैलने के चक्र को तोड़ सकती है। इस खबर में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।